मतलब इतनी ज़्यादा फ्रैंकनेस दो लीडर्स के दरमियान, और दूसरी जानब से भी इतना अच्छा रिस्पॉन्स हमारे, तो जाके हमें गले जफियाँ डुफियाँ डालने की भी कोशिश करते हैं, उन्हें पूछता भी कोई नहीं। लेकिन ये देखो ना कि ये हॉस्पिटैलिटी और इतना ज़्यादा जो है उनके दरमियान मतलब ना फ्रैंकनेस, और बहुत ही ना, ये तो इंडिया और नेपाल वाली एग्जाम्पल हो रही है कि आप आए जाएँ कोई इशू नहीं है, आप बड़े सही तरीके से बात मतलब है वो कोई। ना। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम टू YouTube चैनल खदीजा मेरा रिएक्शन। इट्स मी योर होस्ट खदीजा वसीम, मेरे साथ हैं मेहराना से नाजन। इंडिया की बॉलीवुड इंडस्ट्री का तो सुना है कि उनके गाने और उनकी वो एक आइकॉनिक सारी चीज़ें जो हैं वो कभी नहीं भुलाई जा सकती, लेकिन ये नहीं पता था कि भाई जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी गाना गाना चाहते हैं, और वो गाना अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन के साथ गाएंगे और एक स्टेट डिनर के अंदर ऐसा करेंगे, ये ऐसा नहीं लग रहा था। तो एक वीडियो है उसको देखते हैं, पीएम मोदी ने कौन सा गाना गाने की ख्वाहिश जाहिर की और गाना गाया भी है या नहीं गाया और क्या किया। तो एक वीडियो है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन साथ साथ अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब हमारे चैनल और बेल आइकन भी प्रेस तो कीजिएगा। चलते हैं देखते हैं। मैं देखा है ईमानदारी से प्रभावित कई बार आपके मेहमान गाना भी गाने लगते हैं। लॉन्ग लॉन्ग टाइम अगो, काश मुझ में भी गाने की कला होती तो मैं भी आपको कुछ सुनाता। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे से। दोस्तों, पीएम मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने कह रहे थे कि काश मुझ में भी गाने की कला होती तो मैं भी आपको गाकर सुनाता और आपका आज का दिन बना देता। दरअसल दोस्तों, पीएम मोदी ने ये बातें तब बोली जब साउथ कोरिया के ऑफिशियल पिछले महीने अमेरिका आए थे और उन्होंने अमेरिका के गाने को गाकर सुनाया था और अमेरिका के लोगों का दिल जीत लिया था। पीएम मोदी उस चीज की कमी को पूरा करना चाहते थे। वैसे तो उनके दौरे के अंदर कोई कमी नहीं थी, लेकिन स्टेट विजिट के अंदर जब सारे ऑफिशियल पीएम मोदी और जो बाइडन को देख रहे थे, अगर पीएम मोदी वहां पर अमेरिकी जनता को हंसा देते तो वाकई में ही ये विजिट अमेरिका के लोगों के दिल में बस जाती। लेकिन पीएम मोदी ने वहां पर एक खेद जताया और कहा कि काश मुझे में भी गाने की कला होती तो मैं भी आपको गाकर सुनाता। और इससे आप समझ सकते हो कि कलाकारों की कितनी बड़ी एक इमेज है और कलाकार लीडरों से किस तरीके से ऊंचे होते हैं। दोस्तों, साउथ कोरिया के ऑफिशियल जब आए थे तो वो जो बाइडन ने उन्हें पता लगा कि साउथ कोरिया के ऑफिशियल गाना भी गाते हैं, और फिर साउथ कोरिया के ऑफिशियल के सामने उन्होंने डिमांड रखी कि भैया गाना गाकर बता दो। तो फिर साउथ कोरिया के ऑफिशियल कहते कि ये तो बहुत लंबा समय हो गया है, अब मैं भूल गया। तो फिर साउथ कोरिया के ऑफिशियल ने फिर माइक पकड़ा और गाना गाया और अमेरिका के लोगों को बहुत पसंद आया, क्योंकि डॉन मैकलेन जिन्होंने ये गाना गाया है अमेरिकन पाई, उससे मिलता जुलता था और बेसिकली बहुत हार्ट टचिंग था। आपको सुनाते हैं गाने की थोड़ी सी क्लिपें, सुनिए जरा। लॉन्ग लॉन्ग टाइम अगो, आई कैन स्टिल रिमेंबर हाउ दैट म्यूजिक यूज्ड टू मेक मी स्माइल। Something touched me deep inside, the day the music died. दोस्तों, सुना आपने कितना हार्ट टचिंग था। आप सोच कर देखिए, पीएम मोदी अगर ये गाना गा रहे होते तो अमेरिकन्स का रिएक्शन क्या होता। यही तो दोस्तों ताकत है कलाकारों की। और ताकत क्या है कलाकारों की? कलाकार आपके हार्ट से हार्ट जोड़ना जानते हैं, और यही कारण है कि कलाकार लीडरों से भी बड़े ऊंचे हो जाते हैं। लेकिन जब कोई लीडर कलाकार हो जाता है तो वो एक अलग ही ख्याति पा जाता है, और वही ख्याति साउथ कोरिया के राष्ट्रपति को मिली अमेरिकन्स के बीच में। लेकिन दोस्तों, उससे भी जरूरी बात, अमेरिकन्स के ये गाना इतने दिल पर क्यों लगा हुआ है और ये गाने की हिस्ट्री क्या है? दोस्तों, इस गाने की हिस्ट्री बहुत एक्साइटेड है और आपको भी हैरान करेगी। दोस्तों, अमेरिका के तीन म्यूजिशियन सिंगर थे, वो विमान हादसे में मारे जाते हैं और उसके बाद एक खबर लगती है द डे द म्यूजिक डाइड।
आज आप सोचकर देखिए कि भारत के फेमस कलाकार अगर विमान हादसे में मारे जाएं और उसके बाद जो लोगों का रिएक्शन होगा वो रिएक्शन कैसा होगा। वैसा ही रिएक्शन अमेरिका के लोगों का था और उस समय सभी अमेरिकन लोग परेशान थे कि इनके सिंगरों को हम कैसे मिस कर रहे हैं और इन सिंगरों की भरपाई कौन करेगा। और उस समय डॉन मैकलेन थे जिन्होंने अमेरिकन पाई सॉन्ग निकाला और सभी जख्मी पड़े हुए दिलों को एक मरहम लगाने का काम किया। और यही कारण है कि वो जो एक जख्म इस डॉन मैकलेन के अमेरिकन पाई गाने ने भरा था वो गाना फेमस हो गया और अमेरिका के टॉप क्लासिक सॉन्ग्स में ये गाना गाया जाता है और आज भी इस गाने की जो एक लोकप्रियता है वैसी ही है। अब जो बाइडन और ये सारे ऑफिशियलों के सामने जब ये गाना गाया गया तो सारों की हूटिंग देखने वाली थी और वाकई में ही सभी लीडरों का दिन बन गया। लेकिन पीएम मोदी भी इस गाने को देखकर ही अमेरिका गए थे और उन्होंने अपनी सारी स्टेट विजिट इस गाने को देखकर ही प्लान की थी और उनके मन में भी बहुत टीस थी कि यार मैं भी कुछ ऐसा कर दूं कि सारे अमेरिकन हंस पड़े। लेकिन दोस्तों वो जो एक इवेंट था वो पीएम मोदी के हाथ नहीं लगा, लेकिन फिर भी पीएम मोदी ने पूरी कोशिश की जो बाइडन को हंसाने की और भी उन्होंने जो बातें बोली इस इवेंट को लेकर साउथ कोरिया के ऑफिशियल को लेकर, सुनिए जरा। यार पीएम मोदी जो है ना ये मेहमान नवाजी से प्रभावित होकर कई बार आपके मेहमान गाना भी गाने लगते हैं। काश मुझ में भी गाने की कला होती तो मैं भी आपको कुछ सुनाता। I know your hospitality has moved your guests to sing. I wish I too had the singing talent. I would have also sung for you all. यार मतलब ये देखो कि इस तरह के जो है ना मतलब इतनी ज़्यादा फ्रैंकनेस दो लीडर्स के दरमियान और दूसरी जानब से भी इतना अच्छा रिस्पांस हमारे तो जाके हमें गले जफियाँ डुफियाँ डालने की भी कोशिश करते हैं, उन्हें पूछता भी कोई नहीं। लेकिन ये देखो ना कि ये हॉस्पिटैलिटी और इतना ज़्यादा जो है उनके दरमियान मतलब ना फ्रैंकनेस और एक दूसरे को लिबर्टी एक दूसरे को बड़ा ईजी किया हुआ है ना। मतलब लाइक आप लोग वरना एक अजीब से सेंस ऑफ स्ट्रेस में ही रहते हो कि जब आप किसी लीडर से मिलते हो कि आप भी लीडर होते हो आप लोगों को बड़ा होता है यार नहीं इस चीज़ का ध्यान रखना है। बट अगर एक अच्छे लीडर की तो वही पहचान है ना, एक दूसरे को इतना कम्फर्टेबल दें कि उनके लिए मुश्किल ना हो। और ऐसी स्टेट्स में तो उनकी आवाम भी जैसे जितने लोग उस डिनर में थे वो भी कितना कंफर्टेबल कर दें इंस्टेड ऑफ कि आप उनका मजाक उड़ाओ आप एंजॉय करो। और फिर ये नहीं है कि पीएम मोदी ने जिस तरह जाके जो बाइडन के कंट्री यानी जो बाइडन की जो यूनाइटेड स्टेट है वहाँ से उन्होंने जो वहाँ के लोग थे जो बिजनेसमैन थे उनसे बात की, इसी तरह पीएम मोदी ने भी एक बड़ी मीटिंग अपनी महिंद्रा और इस तरह के जितने भी थे ना अंबानी ग्रुप इनकी भी एक मीटिंग उन्होंने जो बाइडन के साथ अरेंज कराई। और बड़ा मतलब ये देखो कि ऐसे चल रहे हैं जैसे वो अब एक दूसरे के दरमियान एक ऐसा कनेक्टिविटी का जो है ना फुकदान था एक वक्त में उसको इतना ज़्यादा कंट्रोल कर लिया। इस तरह लग रहा है कि जैसे आप बहुत ही ना ये तो इंडिया और नेपाल वाली एग्जांपल हो रही है कि आप आए जाएं कोई इशू नहीं है आप बड़े तरीके से मतलब कोई वो ना कभी कभी जैसे लगता है कि वफा सीखनी है ना तो मोदी साहब से सीखे, बड़ी वफा कर रहे हैं अपने मुल्क के साथ। वाकई तो अपने देशभक्ति किसी ने सीखनी है तो मोदी जी से सीखे, वो अपने देश के साथ भाई बहुत ज्यादा सिंसियर है। यानी मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, आपको कैसा लगा, कौन वेस्ट में आपकी राय आपका वेट कर रही है, लाजमी वहाँ पे जाके बताना है, वीडियो को लाइक करना है शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें। इसी के साथ अपने अच्छे से मेजबानों को दें ज्यादा दुआ में याद रखें अल्लाह ने के बाद।